दी इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज के तहत फिट इंडिया मुहिम को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी धर्मशाला में साइकिलिंग को प्रमोट करने की पहल की गई। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में हुई इस अनूठी पहल में धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया, नगर निगम मेयर देवेंद्र जग्गी, डिप्टी मेयर ओमकार नेहरिया, कमिश्नर प्रदीप ठाकुर सहित युवाओं ने साइकिलिंग की। साइकिलिंग के लिए मैक्लोडगंज मुख्य चौक से बाया डल लेक रोड ट्रैक तय किया गया था। साइकिलिंग इवेंट आम जनता को साइकिलिंग के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को फिट रहने के प्रति प्रेरित करना था। कोरोना के चलते जब लॉकडाउन लगा था तब कई लोगों ने फिट रहने के लिए साइकिलिंग को चुना था। यही नहीं, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से भी सभी स्मार्ट सिटी को साइकिलिंग को प्रमोट करने का कॉन्सेप्ट जुलाई माह में दिया था। उसी के तहत साइकिलिंग अवेयरनेस इवेंट आयोजित किया गया। स्मार्ट सिटी प्रबंधन की माने तो आगामी दिनों में भी इस तरह के इवेंट किए जाएंगे और साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए अभी दो लंबे ट्रैक चिन्हित किए गए हैं, जबकि भविष्य में छोटे छोटे ट्रैक भी चिन्हित किए जाएंगे। नगर निगम के कमिश्नर एवं स्मार्ट सिटी के CEO प्रदीप ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से सभी स्मार्ट सिटी को एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, जिसके तहत स्मार्ट सिटी में साइकिलिंग को प्रमोट करने की बात कही गई है। लोगों को साइकिलिंग के प्रति जागरूक करने के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया तथा भविष्य में भी इस तरह के इवेंट किए जाएंगे। अभी स्मार्ट सिटी में दो लंबे ट्रैक चिन्हित किए गए हैं, जबकि आने वाले दिनों में छोटे ट्रैक भी चिन्हित किए जाएंगे, जिससे लोग अपने वर्क प्लेस पर जाने तथा खरीदारी हेतु जाने के लिए भी साइकिलिंग का इस्तेमाल करने के प्रति प्रेरित हों। भारत वर्ष के जितने भी बड़े शहर और मुख्यतः जो स्मार्ट सिटीज हैं उनमें ये कैंपेन शुरू करा था और एक चैलेंज था जिसको साइकिल फॉर चेंज चैलेंज का नाम दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से सभी सिटीज़ के लिए एक चैलेंज था कि COVID-19 महामारी के बाद जिस तरह से लोगों ने इस मोड को यूज़ किया अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था काफ़ी दिनों तक और दूसरी तरह शहरों में कंजेशन और मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन को अल्टरनेटिवली साइकिल ट्रांसपोर्टेशन एज ए मेन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उनके अपने पब्लिक वर्क्स पे जाने के लिए यूज़ किया। तो वो ये कैंपेन था जिसे पहली स्टेज में लॉन्च किया और उसमें वो 20 जुलाई को लॉन्च किया था और 20 अक्टूबर तक ये चलेगा। इसमें आज का जो इवेंट है वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस करें, जैसे धर्मशाला स्मार्ट सिटी भी इसमें एक चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है और हम लोग आज के इस इवेंट को यहाँ पे जो हमने एक कॉरिडोर इसमें साइकिलिंग का आइडेंटिफाई करा है जो 6 या 7 किलोमीटर का है, यहाँ से मैक्लोडगंज माल रोड से निकल के और फॉरेस्टीगंज से ऊपर होके आप टेंगल रोड से नीचे आके फिर माल यहाँ पे ये ख़त्म होगा। तो लोगों में कॉमन मासिस में एक अवेयरनेस साइकिलिंग के प्रति क्रिएट करने के लिए और जो साइकिलिंग के एंथुजियास्ट है उनको भी इसके लिए मोटिवेट करने के लिए ये एक साइकिलिंग का एक अवेयरनेस रैली, इसको आप कह सकते हैं अवेयरनेस रैली है। कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, स्टेज बन जैसे मैंने बताया, इसमें और भी जगह पे हम इस तरह के कैंपेन के थ्रू लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्रैक हैं जहाँ जहाँ पे साइकिलिंग कॉरिडोर बनाए और लोगों से गुजारिश रहेगी कि अपने बच्चों को खुद भी वर्क प्लेस पे जाने के लिए कॉलेज स्कूल और यूनिवर्सिटी जो जाते हैं लोग उन पे भी मैक्सिमम इस मोड का यूज़ करें, क्योंकि इससे एक तो हमारा जो फिट इंडिया का कैंपेन है और जो लोगों की सेहत के लिए भी अच्छा है और धर्मशाला पर्टिकुलरली धर्मशाला जैसी जगह के लिए जो ईंधन रहित परिवहन की ये मीन है उसकी वजह से हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ होगा और लोगों का स्वास्थ्य भी रहेगा। इसमें अभी पहली स्टेज में जो हमने अप्लाई करा है, जो बड़े कॉरिडोर हैं वो दो हमने इसमें आइडेंटिफाई करे थे कि एक तो जिस पे आज हम अवेयरनेस रैली कर रहे हैं मैक्लोडगंज वाला है जो 7 या 8 किलोमीटर का, दूसरा कॉरिडोर एक जो मर्ज्ड एरिया है हमारे वो आपका दाढ़ी से लेके और सिद्धवाड़ी और सिद्धपुर से ऊपर खन्यारा और वहाँ से आके दाड़नू से निकल के नीचे को आएगा। तो वो ये बड़े ट्रैक थे। उसके बाद नेबरहुड ट्रैक जिनको बोलते हैं कि जो अपने आसपास के मोहल्ले के अंदर जो अंदर की जो अच्छी गलियाँ हैं जो साइकिलेबल हैं जहाँ साइकिल यूज़ हो सकती है, उस तरह से 10 या 12 जगह और हैं जिसमें आपके सभी वार्ड 13, 12, वार्ड नंबर 7 क्रिकेट स्टेडियम के आसपास और नीचे दाढ़ी में ये इस तरह से जगह है जहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं।